नमस्कार, मैं हूं नीलेश भानपुरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ SMS न्यूज़। जी हां, लगातार जो खबरों को लेकर SMS न्यूज़, जो आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की खबरें हैं, प्रमुख खबरों को लेकर आज बात करते हैं सड़क पर। पिछले महीने ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झाबुआ जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश की 50 विधानसभाओं को लिए के लिए सड़क सुधारने के लिए 11,500 करोड़ का पैकेज यहां पर दिया था। लेकिन बात करें धरातल की, तो यहां पर सड़कें जो है झाबुआ जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो अलीराजपुर हो, रतलाम हो, धरातल पर सड़क बेबस और टूटी हुई नज़र आ रही है। भले ही केंद्र और राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सड़कों की हालत बस से बदतर मध्य प्रदेश के साथ साथ झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले में नज़र आ रही है। लगातार बारिश के बाद जिले भर के कई इलाकों में स्टेट हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। सड़कों के खराब होने से आम राहगीर को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से सड़कों पर पड़े गड्ढे दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार सुधार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों पर गड्ढों की संख्या बढ़ रही है। सड़कों का समय पर रखरखाव न होने से घटिया गुणवत्ता के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। यही वजह है कि दो पहिया और अन्य राहगीर को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। यही नहीं, कई बार दो पहिया राहगीर दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। मामले को लेकर राहगीर खुलकर व्यवस्था में बढ़ती जा रही लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के जिम्मेदार सुधार पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा ही खराब है और बाइक चलाने में भी दिक्कत आ रही है, तो बड़ी गाड़ियों की तो बात ही अलग है। रोज आए दिन कुछ ना कुछ टूट फूट होता ही रहता है गाड़ियों में, कहीं पंचर हो रही है, कभी क्या टूट रहा है, कभी क्या टूट रहा है, तो रोज का खर्चा ही बढ़ गया हमारा। तो प्रशासन से ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, एक गड्ढा बचाने जाओ तो दूसरा गड्ढे में कूद जाते हैं, एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। भैया, मैं कल खुद ही इस रोड के कारण गिरते गिरते बचा, क्योंकि कल मैं राणापुर जा रहा था तो बीच में रोडों एक एक हाथ के गड्ढे हैं, तो वहाँ मैं गिरते गिरते बचा, अस्पताल जाते जाते बचा। अच्छा हुआ कि गिरा नहीं, भगवान की दुआ से। आज रोड के एक एक हाथ के गड्ढे हो चुके हैं, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को थोड़ा ध्यान दे कि ये गड्ढे बुढ़े जाए और इसको सही किया जाए। बात करें हरिनगर थानला लिमड़ी हाईवे रोड या फिर अहमदाबाद इंदौर रोड, तमाम रास्ते खराब होने के बावजूद भी टोल कंपनियों द्वारा टोल वसूला जा रहा है। थानला व कल्याणपुरा से जिला मुख्यालय आने में 20 मिनट के जगह 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह है खराब सड़कें व समय पर उनका रखरखाव ठीक से नहीं होना। कलेक्टर रोहित सिंह ने पूरे मामले को लेकर सख्ती भी बरती थी, लेकिन टोल कंपनियों द्वारा हल्का फुल्का हाथी के दांत दिखाने वाला पेच वर्क करके इतनी श्री कर ली गई, लेकिन वर्तमान में स्थिति जस के तस बनी हुई है। हाँ, खड्डे हो गए, पानी भरा हुआ है, अगर पानी भरा के कारण खड्डे दिखते भी नहीं है, उसके कारण गाड़ियों को भी नुकसान होता है, आने जाने में थोड़ा तकलीफ होता है। कर सके मांग यही कि उनको थोड़ा भरपाई करे, खड्डे वड्डे भी भर जाए, रोड तो बनेगा नहीं, थोड़े खड्डे भी भर जाए, कर जाए तो पब्लिक को राहत मिलेगी। अब सुधार तो बहुत सालों से नहीं हो रहा, अभी क्या सुधार कर लेंगे यार। थानला से आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये वाली अभी बनाई है बहुत सालों बाद। उधर थानला से आगे जैसे फुलमाल से आगे तो बनी नहीं है वो वाली, उसको सुधारना चाहिए। हाँ, एक घंटा तो लगा है, बिल्कुल सही है। वहाँ से आओ तो मेघनगर तक ठीक है, मेघनगर के बाद फिर ये फुलमाल तक खराब है, उसके बाद में फिर ये हाईवे बना। उसके जिले की खराब सड़कों को लेकर झाबुआ जिले के नवनिर्मित कलेक्टर रोहित सिंह भी सख्त नजर आए। उन्होंने पिछले ही दिनों यहां पर संबंधित विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की एक समीक्षा बैठक ली और जल्द से जल्द रोड दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन अधिकारी हैं कि पैच वर्क करके एसी रूम में बैठकर क्योंकि मलाई काट रहे हैं। अब देखना है कि कितना जल्दी ये झाबुआ जिले के रोड सुधर पाते हैं। हमने जिम्मेदार अधिकारियों से भी खराब रोड के संबंध में बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। खबर है तो दिखेगी। सड़क से लेकर संसद तक SMS न्यूज़ की हर खबरों के लिए आप बने रहिए SMS न्यूज़ के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल टीम SMS के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।